gentlemen, sisters, and their brothers, definitely not mine. Welcome to the Monday night episode of PollBaazi. Hey! Who is on top of me? Who is this? What happened? What is this I'm little Vidhi. Boy doing on top of Pappi. Me? Hey, Vidhi ke dako. Where is Vidhi? I am missing Vidhi. I'm right here. Are kotte taki? Are PollBaazi ruk jayega. अरे व्हाट गंडोगोल पप्पी व्हाट डू यू वांट ए ये कौन है इंपोस्टर इसका स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन मगर आवाज विधि का आ रहा है व्हाट इट इज यू मीन माय हेयर व्हाट है ओह सिली ये तुम है हां आज हम शो करबो ना ये थोड़ा हम नहीं शो चले गए ये हमारे पप्पी इनसे बाद में डील करेंगे अभी आपको बता देती हूं PollBaazi में होने क्या वाला है आपसे पूछे जाएंगे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान सवाल हर सवाल के होंगे तीन इंटरेस्टिंग ऑप्शंस और 10 सेकंड के अंदर आपने अपना जवाब टैप कर देना है अब PollBaazi में कोई जवाब सही या गलत नहीं होता PollBaazi इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी यार अरे मेजॉरिटी वांटेड हेयर यू कट इट देयर मेजॉरिटी लाइक्स माय हेयर नो दे लाइक योर हेयर दे लाइक माय हेयर काम हो रहा था तो हमसे उधार ले लेता मैच कर गया तो वो सही जवाब होगा और अगर ऐसे ही आपने मेजॉरिटी के साथ 800 सवालों के जवाब दे दिए तो 10,000 रुपए में से अपना हिस्सा जीत ले जाएंगे आप जनाब खेल हुई ना आज के पपे स्टॉप कंप्लेनिंग यार हमारा वो लूडो का सेट ले आओ हम लूडो खेलेगा पपे चेंज शुड बी कंसिस्टेंट नो तो हम चेंज करेगा हम बाल कटवा के तू तू क्या बता पपे बाल के साथ मेरी पर्सनालिटी भी बदल गई हो मे बी आई स्टार्ट लाइकिंग यू हाँ, now we are talking. I really. Okay. Let's start the game. How it happens? Yes. ऊपर एक दिल है. इस दिल का इस्तेमाल PollBaazi में एक बार कर सकते हैं. That is your life. Okay. तो कोई जवाब जनता के जवाब से मिसमैच होता है. Life use करके आप गेम में bounce back कर सकते हैं. और देखिए अगर eliminate हो भी गए, life use हो गई, worry not. PollBaazi इतना brilliant game है कि आप end तक अपनी सोच, अपनी राय बता सकते हैं. तो tap tap करते रहिएगा. Who's there? Excuse me. Yes. Game of Thrones खत्म हो गया है. Why are you dressed as Cersei? I am not dressed as Cersei. ये Cersei का बाल छोटा हो गया. Season 1 में लंबा था. Season 8 में छोटा हो गया. अगर आप Times of India पढ़ते हैं, साथ में जो entertainment जो tabloid आता है, वो पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा ये काफी trend में. वैसे जब मैं बात कर रही हूँ Times of India newspaper की, आपको ये बता दूँ, Monday to Friday, every day, read the Times of India newspaper. I see flying boats in the air like Michael Jackson. Can I continue? Continue, I'm just तो आप पढ़िए एवरी डे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे उस अखबार में और सवाल कहाँ पूछे जाएंगे 8:30 बजे द टाइम्स ऑफ इंडिया PollBaazi क्विज में रीड द न्यूज़पेपर प्ले द गेम विन लॉट्स ऑफ मनी हाउ सिंपल इज दैट मौके ही मौके हैं पप्पी ऐसी मुंह सजा के गोलगप्पा बन के बैठे रहोगे तुम आई वॉज बर्न लाइक दिस ओके वेरी गुड देन 8,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ थैंक यू वेरी मच वेलकम टू द गेम अब दिल से मेरी आवाज को सुनिए फोन स्क्रीन को घूरिए क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन सा सब्जेक्ट था जिस पर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट पीटी फिजिकल ट्रेनिंग या एनवायरमेंटल स्टडीज वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी क्रिएटिव और आर्टी थी वेरी वेरी तो तुम है और क्राफ्टी भी तुम बहुत है नलायक वैसे मुझे लगता है लोगों ने ना एनवायरमेंटल स्टडीज पर कभी ध्यान नहीं दिया तभी यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकते फिरते हैं करेक्ट करेक्ट आई विल टेल यू अ बंगाली जोक वन टाइम वन बंगाली भद्रलोक वेंट टू बाय फिश दैट्स द जोक नो नो कंटिन्यू है और फिश खरीदा लवली हिल्सा एकदम शाइनी ब्लैक एंड सिल्वर तो बोला बाबा एक प्लास्टिक के बैग में दे दे मछली कैसा घर लेकर जाएगा तो मछली वाला बोला बाबू चिंता मत करना पेट काटो अंदर से निकलेगा प्लास्टिक का फनी जोक बट इट इज द सैड ट्रुथ चिंता का जवाब आ गया और वो कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज को नहीं दिया गया ध्यान करेक्ट जब कोई बोलता है आसमान में छेद लोग सोचते हैं कि फालतू बात कर रहा है आसमान में छेद हो चुका है आप मुझे बताइए आपके अनुसार लोग रेडियो क्यों सुनते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के लिए अच्छा या फिर उनको इंटरनेट नहीं यूज करना होता इस वजह से या फिर उनको फनी कॉन्टेंट मिलता है इसलिए ठीक ठाक ऑप्शन बट सब ऑप्शन गलत व्हाट एक्सक्यूज मी देखो यार मैं रेडियो से काफी सालों से जुड़ी हुई थी गलत जुड़ा हुआ था तुम जब से हमारे से जुड़े तब सब सब ठीक हो गया है शन इंडियंस का फेवरेट ऑर्ड क्या है क्या है फ्री जहाँ जो फ्री दिखता है वो वही ले लेता है दैट्स ट्रू तो रेडियो भी इसलिए पसंद है क्योंकि रेडियो फ्री में आता है
गाड़ी खरीदता है रेडियो फ्री में आता है, अगर उसमें नहीं होता तो किसी का एंटेना किसी का तार लगा के सब फ्री। रेडियो का एक और फायदा होता है बताऊंगी, लेकिन पहले आपको जनता का जवाब बताती हूँ। ट्रेंडिंग न्यूज सुनने के लिए वो रेडियो पे जाते हैं, बिकॉज जैसे ही कुछ होता है रेडियो पर आपको बता देते हैं, और रेडियो आप कभी भी बंद कर सकते हैं, अनलाइक दिस मैन जिसका कोई स्विच ऑफ बटन है नहीं। है इट इज इच्छाधारी रेगुलेटरी बटन। पप्पी कोई ट्यूनिंग बदल सकती हूँ तुम्हारी? तुम करो ना, हमारा ट्यूनिंग है भालो करो एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं हम। 8000 से ज्यादा लोग जुड़े हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बताइए वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए लोगों के बीच में जिससे वो दोस्त अच्छे बन सकते हैं। अगर आप सेम पर्सन से नफरत करते हैं तो अच्छी दोस्ती हो जाएगी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, या अगर आप पार्टनर्स इन क्राइम है तो आप तगड़े दोस्त हैं। सोचने वाली बात है। वैसे देखिए दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त बन ही जाता है, करेक्ट है ना? हुआ था ना महागांठ बंधन, अब गांठ अलग हो गया है, बंधन खुल गया है। ए पप्पी ऐसे जख्म पर नमक नहीं डालते हैं। नो जैसे पार्टनर्स इन क्राइम कैसे होने चाहिए? जैसे जॉय बिडो, जैसे सचिन सहवाग, बैट्समैन रॉबिन, सलमान कमल खान, कैटरीना कैफ। कमल खान तो काफी कुछ देखकर चले गए ना, मतलब हाँ। फिल्में गाने। जनता का जवाब आ गया, वो कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर इसकी, वो अगर मैचिंग है अच्छा है तो दोस्ती तो पक्की है, तगड़ी है। करेक्ट, देखो जोनदा और आवड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना पक्का है आम अभी बोलता है। ए सुनो एड भालो करो जोक सुनो, प्रोड्यूसर ए ए लाइट मैन सुनो, टाइम नहीं है। अरे है व्हाट डू यू कॉल विधि आफ्टर अ हेयर कट? हैं हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हम, 7000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं हमारे साथ। इट्स नॉट सच अ बैड हेयर कट इज इट? इट वाज फनी बट आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन सी चीज है जो आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा, मतलब स्पेयर में होनी चाहिए? वेट टिश्यूज या मॉनसून में अंडरवेयर या लोवर्स हमेशा होनी चाहिए? व्हाट इसमें क्या ही व्हाट शलो ए बहुत पुराना चाणक्य नीति मैनेजमेंट ये सब बहुत बताता है कि व्हाटएवर यू डू उसका बैकअप होना चाहिए। इनफैक्ट बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। ओह रियली? विधि हम जो तुम्हारे जिंदगी में है, हमारा बैकअप क्या है? तुम्हारा बैकअप जीरो, क्योंकि हमारा बैकअप हो ही नहीं सकता है। आई एम यूनिक। अरे नो, यू आर मेरी जिंदगी का वर्स्ट केस सिनेरियो, उसका कोई बैकअप नहीं बनाता है। इससे बेहतर सिनेरियो मैडम गिव्स राइज टू होप। I am also hoping किसी दिन मिलन सुमन आएगा एक्सपर्ट बनकर शर्ट उतारेगा। I mean you know, just one statutory warning, hope is also very foolish। जनता का जवाब आ गया, ओहो इंडिया इज वेरी नॉटी। इंडिया की सोच है कि हमेशा लाइफ में एक्स्ट्रा या बैकअप लवर्स होने चाहिए। रियली बैकअप लवर? अब तो पूरा सर्वर है तुम्हारा, इधर का टिंडर उधर का स्वाइप, और कितना चाहिए? बट मतलब पप्पी यू स्टिल हैव नथिंग, पीपल हैव एक्स्ट्रा लवर्स। आई गॉट यू। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, 7000 से ज्यादा लोग हमें बता रहे हैं इंडिया की सोच। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बताइए बंगाल पर अपनी पकड़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ममता बैनर्जी को इन तीनों में से क्या चीजें करनी चाहिए? आप एडवाइस दीजिए, छुट्टियां बढ़ा देनी चाहिए या फिर एक अच्छी पीआर टीम हायर कर लेनी चाहिए, या चौल में ना मतलब धरना पे फिर से बैठ जाना चाहिए दीदी को? हेलो एक्सक्यूज मी बंगाली बाबू, दिस शुड बी योर थिंग आंसर। भालो ऑप्शन सब ऑप्शन भूल। इसमें क्या भूल? देखो इट इज वेरी सिंपल, जब तुम प्यार करता है उसको छोड़ देना चाहिए। व्हाट? यस। कहने का मतलब हम तुमको समझाते हैं, एग्जांपल देता है। इमरान खान क्रिकेट खेलता था, छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, सब बोला इमरान वापस आ वापस आ वापस आ, वापस आया, क्या किया? 1992 का वर्ल्ड कप जीता दिया, फिर छोड़ दिया, इमरान वापस आ वापस आ, फिर बोला, फिर क्या हुआ? वजीर आलम होकर आ गया। तो ममता आई मीन दीदी को छोड़ देना चाहिए। जनता का जवाब आ चुका है, वो कहती है कि अगर दीदी और छुट्टियां अनाउंस कर दे, अरे अभी तो बढ़ाई है छुट्टियां, और छुट्टियां अनाउंस कर दे तो बंगाल पे उनकी पकड़ एकदम। और क्या छुट्टी लेगा, हाफ ऑफ बंगाल तो एनीवेज इज ऑन छुट्टी, काम तो बहुत स्लो हो रहा है। नो दैट इज बिकॉज आफ्टरनून टाइम इज सिएस्टा टाइम एंड इवनिंग टाइम इज ओवरवर्क। आई एम टेलिंग यू बंगालीज आर एक्चुअली हिडन कजिन्स ऑफ इटालियंस। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम, चलिए आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सी भीड़ आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बहुत अनबेरेबल है? मार्केट में जो भीड़ होती है या बस में जो भीड़ होती है, जो शादियों में जो भीड़ बन जाती है, कौन सा है? डिफिकल्ट वन। आई डोंट लाइक क्राउड्स। यू डोंट लाइक क्राउड्स? यस, हमारा बहुत घुटन होता है। ये हर शादी में गेट क्रैश कर देते हैं, ये बोलते हुए आई एक्सपर्ट, आई सिंगर, आई सिंग। हाँ, तो उसमें हम बॉम्बे गए थे, हम ये खड़े हो गए प्रतीक्षा के बाहर, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर, बच्चन रिमेम्बर मी, याद है? करेक्ट, बच्चन है ना,
और उसका घर का नाम क्या है? प्रतीक्षा, काटना तो पड़ेगा। जनता का जवाब आ गया है। वो कहते हैं कि बस का जो क्राउड है वो नहीं होता है हैंडल। काले कारण की बस का क्राउड में बहुत बास आता है। ऐसा करके सर अगर खड़ा रहेगा वैसे बस का क्राउड ये भी बताता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ जाना चाहिए। जनता ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट कम है, बैलेंस। और सड़क को किधर बढ़ाएगा वो बाद में देखेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। 7,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन से डायरेक्टर है जो आपके अनुसार किसी भी सीन को एकदम ड्रामेटिक बना सकते हैं? करण जौहर या रोहित शेट्टी या संजय लीला भंसाली? यार तीनों ना पप्पी ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं, और करण जौहर की पिक्चर में रोना धोना ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ना रोना इन डिजाइनर क्लोथ्स या एंड मेकअप तितर ना बितर होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। रोहित शेट्टी की फिल्मों में ज्यादा रोना नहीं होता, लेकिन कभी कभी हियर एंड देयर ऐसे रोने वोने वाले सीन मगर तब भी गाड़ी को ब्लास्ट करके पीछे से ऐसा घुमाते भी दिखाया। हां वैसे यहां पर ऐसे हीरोइन रो रही है, पीछे गाड़ी उड़ रही है। पर संजय लीला भंसाली आई थिंक ही इज गॉट इट ऑल राइट। उसमें जो रोता है पीछे क्लासिकल म्यूजिक बजता है। जनता का जवाब आ चुका है और वो कहते हैं संजय लीला भंसाली किसी भी सीन को सुपर ड्रामेटिक बना सकते हैं, क्योंकि एक तो वो सेट, फिर वो माहौल, फिर वो म्यूजिक, फिर वो आंसू, फिर वो जेवर। फिर भी हम बोलेगा ऑप्शन गलत, इट इज एक्चुअली साजिद खान। व्हाट? यस, साजिद खान इन ड्रामा? या वेयर इज इट? उसका जितना भी गंदा सिनेमा का देखने के बाद ऑडियंस जो रोता है उसका क्या होगा? बिंदे Hashtag true story, बहुत रोई थी मैं। Question number 8, final question of the evening पे पहुंच चुके हैं। 7,000 से ज्यादा लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब आप डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो टैप करना मत भूलिएगा। इसको चलिए, अरे जवाब को। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन से लॉन्ग टर्म सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अपने स्टेट में चेंज लेकर आए? नवीन पटनायक फ्रॉम ओडिशा, ममता दीदी फ्रॉम बंगाल या नीतीश कुमार जी फ्रॉम बिहार? तीनों ने मेहनत की। नीतीश कुमार तो मतलब नहीं, नवीन पटनायक तो 5वीं बार कंसेक्यूटिवली वापस आए हैं। मेहनत सबने की, दीदी ने भी तुम्हारी मेहनत की है यार, है कि नहीं? व्हाट हैपेंड? ना ना, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, हम क्या जवाब देगा, तुम दो बाबा। दीदी ने ए पॉलिटिकल चीजों पर भी काम कराया, जैसे कि वेज और नॉन वेज फूड के लिए भी फाइट किया उन्होंने। हाँ, हम नहीं बोला था, पर अच्छा किया लड़ाई करके। Who is plane to decide if I want to eat veg or non-veg? Yes, so she fought for you. And then she gave you more holidays also. पूरा छुट्टी कर दो ना। जनता का जवाब आ गया है और वो कहते हैं दीदी ने ही सबसे ज्यादा चेंज की, मतलब किया काम है। किया है, कलर भी चेंज हो गया है। सर हमारे को लगता है a state should be always a happy state. बिल्कुल। Including chief minister, including farmer, including consumer. And what do you suggest, dear expert, how to be a happy state? Sorry? No, okay, don't nothing. Don't tell me. Producer is burping inside the studio. So? 3,557 लोग जीत चुके हैं आज पॉलबाजी का खेल, आपके लिए हो जाए। बल्ले बल्ले, मेरा बात शाओ शाओ। जीत गए। In my childhood, it is a good haircut, puppy. Mihir, I hope you think so too. जय अभी ऋषभ रोशन संदीप राहुल, आप सब जीत गए हो। तो अगर आप मेरे न्यू हेयर स्टाइल के बारे में कुछ कहना चाहो तो प्लीज अच्छी बातें लिख के भेज देना, हैशटैग पोलबाजी लिखकर, @bazi ना ढूंढ लेना इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर। अब तुम्हारा तस्वीर का नीचे लिखा रहेगा PG रेट रिक्वायर्ड, पेरेंटल गाइडेंस। इग्नोरिंग पप्पी, कल कब मिलेगा मौका आपको बाजी ना पर पैसे जीतने का? आई विल टेल यू। 1 बजे खेलिए ब्रेन बाजी प्लस, 3 बजे खेलिए पोलबाजी मिनी, 4:30 बजे खेलिए बिंगो बाजी, और रात 8:30 बजे खेलिए द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी क्विज, द इजीएस्ट क्विज टू विन। हे प्रोड्यूसर, सत्य कथा बोल, डजंट शी लुक लाइक अ लिटिल लाइक कैक्टस, जो छुटका सा होता है गमला में वही।